दोस्तों साथियों नमस्कार, आपके लिए एक बार फिर मैं हाजिर हूँ नई और लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी आपके सामने लेकर। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो ए टू जेड नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्रकार की लेटेस्ट वैकेंसी और रिजल्ट और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नोट्स होते हैं वो भी हम अपलोड करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें, सबसे पहले सबसे सरल भाषा में आपके पास सारी वैकेंसी पहुँचती रहेंगी। शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज की जो नई लेटेस्ट वैकेंसी है ये निकली है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फैमिली वेलफेयर समिति साउथ 24 प्रांगण ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, ये है कोलकाता से। रिक्रूटमेंट जो है ये अंडर नेशनल हेल्थ मिशन रहेगा, कुछ इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं कुछ परमानेंट बेस पर हैं। दोस्तों आपको जो अप्लाई करना है कैंडिडेट को केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके लिए जो साइट है ऑनलाइन की वो यहाँ पर दी गई है, इस पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉरम जो स्टार्ट होंगे वो रहेंगे 25/7/2020 से 8/8/2020, इसका डेट रहेगा। आपको ओनली केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट होंगी। आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो 100 रुपये रहेगी और ये डिमांड ड्राफ्ट में आपको देना है किसी भी नेशनलाइज बैंक से, किसी भी बैंक का, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति साउथ 24 प्रांगण के लिए, इनके लिए आपको ये पेमेंट करना है। दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, फैकल्टी लेवल, क्वालिटी मैनेजर की हैं। उसके बाद में नेम ऑफ द पोस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। नेम ऑफ द पोस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है। कुछ इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर हैं कुछ परमानेंट बेस पर हैं। ये मेडिकल ऑफिसर की है, फुल टाइम है। ये मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट जो है ये फुल टाइम रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। नेम ऑफ द पोस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है। काला आजार टेक्निकल सुपरवाइजर है, डेंटल असिस्टेंट है, मेडिकल ऑफिसर की है। और ये देखिए दोस्तों हमारे स्टाफ नर्स की पोस्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। एक पोस्ट है जो पेमेंट रहेगा 13,000 रुपये रहेगा, पोस्टिंग जो रहेगी वो MR बंगूर हॉस्पिटल रहेगी। क्वालिफिकेशन जो है BSc भी अप्लाई कर सकता है और GNM/ONM जो है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ इसमें अप्लाई कर सकता है। BSc नर्सिंग भी अप्लाई कर सकता है और GNM/ONM 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। एज जो लिमिट है वो 60 साल रहेगी और सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो 70% जो आपका रिटन टेस्ट होगा, बाकी आपका 30% नॉलेज इंटरव्यू बेस रहेगा। अगर 10 से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं एक सेम पोस्ट के लिए तो ही आपका रिटन टेस्ट होगा, वरना इंटरव्यू से भी काम हो जाएगा। फार्मासिस्ट की पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, लेडी काउंसलर की पोस्ट है। दोस्तों देखते हैं अब इसके क्या रूल रेगुलेशन है वो आपको सारे हम बताएंगे। दोस्तों आप हमारे वीडियो से भी, नीचे वीडियो के नीचे लिंक दिया जाएगा, आप वहां से इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों कैंडिडेट मस्ट सबमिट कंप्लीट प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कंप्यूटर जनरेटेड और इसको आपको डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपीज को सेल्फ अटेस्टेड, दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट को करना है और आपको 13/8/2020 शाम 5:30 बजे तक कहाँ पहुँचाना है, ओनली स्पीड पोस्ट या पोस्टल ऑर्डर EC स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्टल ऑर्डर से, कोरियर पोस्ट ओनली। आप अगर खुद जाकर जमा करवाएंगे तो नहीं लेंगे। इन्होंने लिखा है डोंट यूज स्टेपलर पिन और स्विच ऑन डिमांड ड्राफ्ट। दोस्तों ये जो एड्रेस है यहाँ पर आपको भेजना है, क्या जनरल रूल और इन्फॉर्मेशन है वो देखो। केवल ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएंगी। इफ प्रॉपर सिग्नेचर और फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों असेंशियल क्वालिफिकेशन आप पूरी करें और जो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, जैसे फ़ोटो प्रूफ है, प्रूफ ऑफ एड्रेस है और एज प्रूफ सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ये जो हैं सारे टॉपिक हैं ये आप ज़रूर पढ़ें। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, सेल्फ अटेस्टेड सारी कॉपी आपको भेजनी है और बाई हैंड ये जमा नहीं होगा। दोस्तों आपके आपकी सुविधा के लिए इस PDF का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करें और ज़रूर पढ़ें। एप्लीकेशन आर रिक्वेस्टेड
जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस वेबसाइट पे मिलेगा, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन, और किसी भी जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर भी लॉगिन करके देख सकते हैं। सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको वेबसाइट के जरिए ही मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल A to Z नर्सिंग को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। धन्यवाद दोस्तों।